संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. या अधिवेशनात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली आहे. आज संसद के बजेट सत्र का आरंभ हो रहा है. हमारी सरकार के लिए ये पूर्ण समय का अवसर पहली बार आया है. लोकतंत्र में, लोकतंत्र के इस मंदिर में संवाद हो, हर विषय पर गहराई से बहस हो और इस मंथन से अमृत निकले जो देश के गरीब से गरीब काम आए. इस संकल्प के साथ ये बजट सत्र का आरंभ हो रहा है. कल भी मैं बहुत लंबे समय तक सभी साथी दलों के नेताओं से मिला था, उनके विचार भी सुने हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि देश हित के हर महत्वपूर्ण इश्यू पर गहरी चर्चा हो. बजट सत्र किसी भी सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है, देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर होता है. सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने का प्रयास बजट में झलकता है और मुझे विश्वास है कि बजट सत्र बहुत ही अच्छे वातावरण में, सहयोग के वातावरण में और कुछ अच्छा करने की दिशा में मिलकर के प्रयास करने का एक अच्छा अवसर बन के रहेगा. तर या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडल्या जाणाऱ्या महत्वाच्या अध्यादेशांवर आता एक नजर टाकूया. भूमी अधिग्रहण अध्यादेश, कोळसा अध्यादेश, खाण आणि खनिज अध्यादेश, ई रिक्षा अध्यादेश, विमा क्षेत्रात 49% FDI, नागरी कायदा अध्यादेश. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.